ये अब मुझे पता है क्या वाइब्स आ रही हैं। अब देखिए हम फील्ड जो है वो अटैकिंग फील्ड में। भाई गुड न्यूज़, हस्मत भी बहुत अच्छा है। गुड न्यूज़, अब मुझे क्या वाइब्स आ रही हैं कि इंशाल्लाह अब एक एक करके ना एक एक करके इनके खिलाड़ी आउट होना शुरू हो जाएंगे। आप देख लीजिए। वाओ यार क्या बात बताई। वही चल रहा है। अगर अगर पाकिस्तान जीत गया ये बंदा कहेगा बाबर आजम से अच्छा कोई है ही नहीं। नहीं भी नहीं कहेगा, ये लिख ले। एहसन भाई, एहसन भाई मैं आपको सच बोलता हूँ, पाकिस्तान जीते ही हमारी दुआएं। देखिए अगर बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेगा जी तो मैं कहूंगा बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया, मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। लेकिन अगर बाबर आजम अच्छा नहीं खेलेगा, बाबर अच्छा आजम अच्छा खेल गया, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं बोलूंगा तो बाबर आजम अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा एक बात हो गया, 70 मारे सिर्फ आज मुश्किल में खड़ा हो गए, 70 रन मारे अभी हसन अली ने, जब आउट हो गए सारे एकदम, और शादाब और जब बाबर खेले एकदम तेज खेलना इन्होंने सिंगल्स शुरू किए, वही तो मैंने कहा स्ट्राइक रेट जो है ना वो बेहतर होगा उसके साथ ही शॉट। और हमारी बात होती है कि भाई स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, आज स्ट्राइक भी रोटेट की बाबर आजम ने और पूरी टीम थोड़ा सा बैटिंग में शेकी थी, बट बाबर आजम वन मैन आर्मी था, 78 बना के गया। अब जब मेरा बाबर 50 बना रहा है तो आपको मसला, मेरा बाबर ये कर रहा है तो आपको मसला, अजीब बात। मेरा बाबर अच्छा बाबर, लेकिन मैं आपसे बाबर आपका एक आपसे बात पूछ, मेरा भी ये बाबर, ये तो वो है चाचू JJON। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि बाबर आजम का केयर से कैप्टेंसी नहीं कुछ कह नहीं रहा, हसन अली ने बॉल की ऑफ साइड हुई, रिजवान ने कैच पकड़ा, तो ये बाबर आजम ने कहा था? नहीं नहीं, ये तो दोनों का था, खुद किया ना उन्होंने, तो यही हम उस वक्त से बात कर रहे हैं। बाबर आजम नहीं पहुंच सकता फराज को, सबने मैंने भी तो यही कहा, तो ये साबित हो गया ना, तो मैंने भी तो यही कहा ना ना, आप या तो फिर मेरा पॉइंट समझे नहीं यार। ऐसा बताता हूँ, शॉट टू फराज ये कहना चाह रहा था कि उसका फेस फेस का एक अग्रेशन, उसका स्टांस ऐसा होना चाहिए कि उसके खड़े होने से पूरी कौम को लगे कि भाई अगर मैच फंसा हुआ भी है तो निकल जाए। लारे अगर मैं आपसे कोई वैलिड बात करूंगा या मुदस्सिर भाई से मैं कोई बहुत जेन्युइन बात करूंगा तो क्या मैं ऐसे करूं? ओए 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 अल्लाह करे आउट हो जाए, ऐसी चीजों पे फिर गुस्सा भी आता है, अल्लाह करे आउट हो जाए, लेकिन लाड भी आता है जब आउट करते हैं। लारे आप मुझे एक बात बताएं, अगर मेरी कोई बात बहुत जेन्युइन है, मैं ठीक बोल रहा हूं, तो क्या मैं आपको मुदस्सिर भाई को ऐसे रिप्लाई करूं? जी मुदस्सिर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे यार, मैं अपने एक वे में बात करूंगा ना यार, क्योंकि मुझे पता है मैं यार ठीक आपकी बोल रहा हूं। बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू जेन्युइन है, बट लॉजिकल बात यही है कि एक बंदा 11 बंदों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता और उसको उसकी अब जो हारिस रऊफ की टेक्निकलिटी है वो बाबर आजम थोड़ी ला सकते, उसमें वो बॉलर थोड़ी है बाबर आजम। आप बात करना क्या चाह रहे हो, जो आपने अभी बात की बोलना क्या चाह रहे हो, आप खुल के बोलो ना, लाइफ इज अ रेस। खुल के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मुझे अपनी कोई बात पता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो मैं उसको बड़े पूरे एतमाद तरीके से बोलूंगा, अपना मैसेज डिलीवर करूंगा, चाहे ऑडियंस सुने या आप लोग सुने, चाहे रिप्लाई ना है तो मैं मैसेज करूं। इन द सेम वे अगर बाबर आजम वहां पे खड़ा हुआ है, उसको नजर आ रहा है कि कंडीशन ठीक खड़े हुए हैं ओए बड़े हैं तुझसे, तो वो वहां पे चीज ठीक करे। सही, बस दैट्स इट। आप जिस तरह आप स्टेट्स को बहुत अच्छा बता दें क्योंकि आपको पता है स्टेट्स के बारे में, तो शहरोज भाई को पिचेस का बहुत अच्छा पता है कि कौन सी पिच कैसी है, तो शहरोज भाई आज की जो पिच है, आज की जो पिच है आपके हिसाब से बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच है? यार वो 100% बॉलिंग पिच है। आपको कैसे पता? ऐसे पता क्योंकि आपको पिच के बारे में मालूम नहीं। देखो मुझे पिच के बारे में बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात, इंसान देखता है माजी से कि पार्स क्या रहा है, पार्स क्या रहा है, 2 रन पे 3 आउट हो गए थे वहां पे है विराट कोहली, फिर आज हमने बैटिंग देखी अपनी, स्पिनर बॉल कितना घूम रहा था, गुगली पड़ रही है, तीसरा पड़ रहा है, दूसरा पड़ रहा है, लेग ब्रेक हो रहा है, अच्छा ऑफ ब्रेक पूरा जबरदस्त हो रहा है, तो तीसरा किसने किया है वैसे, तीसरा किसने किया? पिचेस बन रही थी ना उस वक्त, उस वक्त एक बंदे ने बड़ी जबरदस्त बात की, बहुत तेज हो रहे हो, चेन्नई में, चेन्नई की जो पिच है वो ऐसी वर्ल्ड कप से स्टार्ट से पहले वर्ल्ड ऐसी तैयार की जाएगी पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान मैच में के मैच निकल गया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया बॉल, नहीं नहीं बहुत आगे, बहुत आगे था बॉल यार, कौन था फील्डर? नहीं वो आगे बाबर था, वो आगे आए, वो कहते कि ऐसी पिच तैयार होगी कि स्पिनर्स के लिए वो फायदेमंद होगी और पूरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी कि अफगानिस्तान को